अब कॉपी पेस्ट में नॉर्मली हम चीज जो कॉपी करते हैं एक्सेल के अंदर, कॉपी करने का तो एक ही तरीका है, लेकिन पेस्ट करने के काफी तरीके हैं इसके अंदर और वो काफी यूजफुल भी हैं। लेट सपोज अब हम इसको वन बाय वन देखते हैं। नॉर्मली जब हम डेटा कॉपी करते हैं, तो अगर मैं इस पूरे डेटा को कॉपी करूंगा यहाँ से, तो कॉपी करने के बाद जब मैं इसको एक दूसरी शीट पर या कहीं भी पेस्ट करूंगा, तो पेस्ट कर देता हूँ तो सारी चीज़ें पेस्ट हो जाती हैं। लेकिन आप चाहें तो हर चीज़ को अलग अलग पेस्ट कर सकते हैं। हर चीज़ से अलग अलग पेस्ट करने से मतलब क्या है, टेक्स्ट अलग कर लें, वैल्यूज अलग कर लें। ये मैं बताता हूँ किस तरह से। लेट सपोज अगर आप देखिए यहाँ से इसको कॉपी कर रहे हैं और यहाँ पेस्ट कर रहे हैं, तो क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, फॉर्मेट भी आ रहा है, वैल्यूज भी आ रही हैं। अब मैं कॉपी तो कर लिया मैंने वहां से उसको पूरे को, कॉपी है। अब मैं इसको पूरा पेस्ट नहीं करना चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ सिर्फ इसकी वैल्यूज को पेस्ट करूँ। यहाँ पर कुछ आइकन दिए हुए, या तो आइकन से समझे, थोड़ी देर आप उस पर एरो रखेंगे तो वो बताएगा कि फॉर्मेटिंग के नीचे के व्यू सोर्स एंड फॉर्मेटिंग, या फिर आप डायरेक्टली पैसे स्पेशल में चले जाएं। और यहाँ से जाके अब आप क्या चाह रहे हैं, ऑल का मतलब है आप फॉर्मूला भी चाह रहे हैं, वैल्यूज भी चाह रहे हैं, फॉर्मेट्स भी चाह रहे हैं, कमेंट्स भी चाह रहे हैं, वैलिडेशन भी चाह रहे हैं यूजिंग। और अगर आप कह रहे हैं नहीं सिर्फ फॉर्मूला, तो सिर्फ फॉर्मूला चाह रहे हैं आप, और आप कह रहे हैं वैल्यूज, तो सिर्फ वैल्यूज चाह रहे हैं आप। ओके करें तो देखो खाली वैल्यू है, उसके बाकी फॉर्मेट वगैरह नहीं आए। इसी तरह से अब मैंने यहां से क्लिक किया और कॉपी किया और एक और यहां पे कह दिया। अब ये इसी ऑप्शन को मैं आइकन से भी देख सकता हूँ, ये लिखा रहा है पेस्ट वैल्यूज, ठीक है, वैल्यू आ गई। इन दोनों में वैल्यूज है। अब मैं यहाँ फॉर्मूला लाना चाह रहा हूँ, क्या लाना चाह रहा हूँ, अब फॉर्मूला जो अप्लाइड है, जो भी अप्लाइड हो, ये वाला फॉर्मूला लेना चाह रहा हूँ जो कि सम हो रहा है। अब ये फॉर्मूला चाह रहा हूँ, तो मैंने यहाँ से किया कॉपी और यहाँ क्लिक किया और यहाँ पे कहा पेस्ट स्पेशल, और यहाँ से कहा मैंने सिर्फ फॉर्मूला दे दो, फॉर्मूला ने एरर दे दिया। जब फॉर्मूला स्टडी करेंगे तो हमें पता चलेगा एरर क्यों आया। देखिए यहाँ से मैंने फॉर्मूला कॉपी किया, यहाँ लिखा हुआ है C5 × E5। जब मैं जहाँ पेस्ट कर रहा हूँ फॉर्मूले को, तो वो ऑलरेडी मैं C5 सेल पे मौजूद हूँ, इसलिए उसने एरर दिया है। अगर मैं यहाँ पेस्ट करता, पेस्ट स्पेशल और फार्मूला, ओके, तो अब फार्मूला एज इट इज पेस्ट हो गया, A3 × C5। A3 में 180 है, C5 पे कुछ भी नहीं, इसका मतलब जीरो है। तो जीरो से इंटू 180 हुआ तो आंसर क्या आ गया, जीरो। बट आप जैसे ही यहां कुछ लिखेंगे, अब क्या हुआ, अब फॉर्मूला एडिट करना पड़ेगा, C5 रेफरेंस लिखा हुआ आ गया, इसको करना पड़ेगा, सेल चूज करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा समटाइम ऐसा भी होता है, लेट सपोज अगर आपको ये सारी वैल्यूज जो है आपको कहीं और चाहिए, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको एक दूसरी शीट पर चाहिए, तो आपने यहां से किया कॉपी और यहां आके आपने कहा पेस्ट, क्या है, कुछ भी नहीं आया। क्यों नहीं आया, या तो वैल्यूज मौजूद है। जिस सेल पर फॉर्मूला अप्लाइड होता है उस सेल की वैल्यू अपनी जाती नहीं होती, उसकी वजूहत होती है, क्योंकि वो वैल्यूज खुद कहीं से ला रहा होता है। अब आप यहां पर इस सिचुएशन में कहेंगे पेस्ट नहीं, पेस्ट वैल्यूज, क्या कहेंगे, तो वैल्यूज आ गई, फॉर्मूला खत्म हो गया, सही। इसी तरह से अब आपको यहां पे फॉर्मेट चाहिए, कौन सा फॉर्मेट चाहिए, सपोज ये फॉर्मेट चाहिए, आपने सेलेक्ट कर लिया, कॉपी करते हैं यहां से हम इसको,